उस एक वीक का ऐसा इंसिडेंट जिसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई। हमने सुना है कि बिग बॉस हाउस हॉन्टेड भी होता है। टॉयलेट करने जा रही थी और उसका कोई है भाग के गई, भाग के आई। जैसे लाइटें बंद होने के बाद मैं कभी बाथरूम गई ही नहीं उसी चक्कर से। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे वो इंसिडेंट तो बताओ कुछ। मैं पूल के साइड पे सीढ़ी पे खड़ी हूँ और कृतिका जो है पूल में उतर रही है और अरमान जी आए उसे पूल में उतारने के लिए और मैं उन्हें खड़े खड़े देख रही हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं हम सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहा है रात के 12। पूरा दिन हमारा कहाँ गया कहाँ नहीं गया मैं बताऊंगी आगे। अभी आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में रोटी है सब्जी है, क्योंकि भाई सुबह से रोटी सब्जी बिल्कुल भी ऐसे नसीब नहीं हुई। घर से निकले थी पोहा खा के, फिर जो मुझे मिला वो मेरा खाने का मन नहीं था तो मैंने खाया नहीं। घर में आते ऐसे देसी स्टाइल में हम लोग ना बचपन में भी खाते थे, रोल बना के प्लेट 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 का वेट नहीं करते थे, ऐसे लेते थे रोटी और सब्जी डाल के खा लेते थे। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। और अभी जो है मेरे पास बहुत सारा काम है क्योंकि बिग बॉस हाउस से बहुत सारा सामान आया है जिसे सेट करके हम एक गाड़ी लेके आए हैं, उसमें फिट करना है, उसमें फिट करके फिर ये सारा सामान जाएगा वापस घर। तो भाई यहाँ पे एक और शख्स आ चुका है जो कि सीधा चंडीगढ़ से यहाँ लैंड किया है, और कौन हो सकता है आप कैसे? मम्मी भी आ चुकी है क्योंकि मम्मी हमारी जो टीम मेंबर है ना कृतिका, अरमान और पायल में से एक बंदा अभी भी टॉप 5 में है। बहुत ज्यादा खुशी है हमें कि हमारी कृतिका जो है टॉप 5 में पहुंची है और लोगों को बहुत ज्यादा जलन हुई होगी कि वो कैसे पहुंच गई, ऐसे क्या किया, कैसे पहुंच गई। तो भाई जिसकी किस्मत होती है वो पहुंचता है। तो हमारी गोलू जो है टॉप 5 में ऑलरेडी खेल रही है। अगर गोलू टॉप 5 में नहीं होती तो मैं भी नहीं जा सकता है ना, टॉप 5 वाले बच्चे गए ना। तो हाँ, तो मेरे को बुलाया है टॉप 5 की जो बिग बॉस ने मुझे फोन किया है, बिग बॉस ने कॉल किया था मुझे आप आओ। तो अभी बहुत ज्यादा धमाल हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मुझे कितना काम करना है। रात के 12 बजे जो है अरमान जी जो है वो घर नहीं आए, उनका ऑलरेडी शूट चल रहा है और मैं हूँ घर पे। तो मैं सोच रही हूँ कल की तैयारी, कल या परसों मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अपनी तैयारी में अभी से करके रख दूंगा और हमारी जो गाड़ी है उसे फुल पैक कर दूँ क्योंकि उस गाड़ी में वैसे भी घूम नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है पूरे एक मतलब दुकान के सारे जो है ना जूते हमारे यही है। अभी जूते पन्नी में फट जाएंगे, पन्नी पे ही जाना पड़ेगा, क्या करें। बिना बॉक्स के दिए थे ना हमने अंदर। चलो देखिए आप कल के कपड़े भी डिसाइड करने हैं हमें, कपड़े क्या पहन के जाने हैं वापस, क्योंकि सारे कपड़े तो इनके गंदे आए हैं वहां से, गंदे भी नहीं है तो सारे ना एक के ऊपर एक रखे हुए जूते चप्पल, तो वो पहन नहीं सकते। लॉन्ड्री करा लेंगे ना सुबह, ऐसा कर लेंगे जल्दी थोड़ी लॉन्ड्री मिलती है। तो ये हो गया एक बैग पैक। जाना भाभी आप ये दूसरा, ये एनली की चप्पल है। ऐसी चप्पल देखी कभी? गोल्डन हील्स। तो चल के मुझसे चला जाएगा भाभी। वो उसके अंदर नीचे बेस नहीं है, वो ऐसे ऐसे डोलती है। पहली चप्पल मत पहन रख, क्यों? क्योंकि इसके नीचे बेस नहीं है, ये ऐसे रिंग है, रिंग कभी भी ऐसे हो गया बड़ी बुरी तरह गिरोगी। ये मम्मी चंडीगढ़ से पहन के आई मुंबई तक, पूरी फ्लाइट व्लाइट ये वो। फ्लाइट में बैठ के हो गए ना? फ्लाइट में तो हम कैसे बैठे ना हमें पता है। जैसे मम्मी की फ्लाइट मिस हुई गाइस, मैं बताती हूँ। मम्मी की फ्लाइट हुई थी दोपहर 4 बजे की और मम्मी पहुंची एयरपोर्ट पे 5 बजे, फिर मम्मी को दोबारा फ्लाइट बुक करी। आपकी मिस हो गई थी मम्मी? मेरी हुई थी ना, आप ही के बोल रहे हो। हमारी भी मिस होने वाली थी, बच गई थी। तो गाइज अयान की ना तबीयत पूछने के लिए मैंने फोन कर रही हूँ। आज पूरे दिन से फोन मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा कि एक बार पूछ लेती हूँ, क्योंकि अयान का फीवर वैसे कल चढ़ा नहीं था, परसों था उसे फीवर जब मैं थी और फिर दवाई वाई दिला के ले आई थी मैं उसे। फिर मैंने कल पूछा था तो उन्होंने कहा कल नहीं चढ़ा, अभी मैं पूछ लेती हूँ दोबारा फीवर तो नहीं आया उसे। क्योंकि जब तक उसकी देखूंगी ना, सुबह वीडियो कॉल पे उससे तो बात हुई थी, सुबह से जैद से अयान नहीं सो रहा था उस टाइम। कोई फोन ही नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्या हो गया? मैंने पहले लक्ष्य लगाया उसका भी नहीं लग रहा। आना मम्मा, आना। हाय मेरा बेटा, ठीक है तू? नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, मम्मा जल्दी आ जाएगी, ठीक हो अब आप? हाय मेरा टुबड़ा, हाय मेरा टुबड़ा। पानी नहीं पीना मुझे। चोटी कहाँ है आपकी? दोनों दोनों चोटी ज्यादा कहाँ है? ज्यादा मम्मा, ज्यादा आओ। मेरे बंदर। हाँ मम्मा, हाँ मम्मा का बेटा आ गई, मम्मा जल्दी आ गई, ठीक है? चावल खा रही है, चावल। ये तो ड्रामा बहुत ज्यादा करती है। चीकू सो गया? दीपक सो गया, टाइम से सो गया था, 8:30। पूछ नहीं रहा था मम्मी कब आएगी। तो रहा था, हमने कहा कल शाम तक आए जाएंगे। कल? हाँ कल तो नहीं आ पाएंगे, परसों आएंगे शायद। पानी दो, इसे पानी दो, पीछे थसका लग रहा है इसके। कोनी मारो, कोनी पीछे, मतलब घुसा ऐसे थप थप नहीं करते हैं क्या?
ऐसे करो हाँ ऐसे। मेरा बंदर, इसको फीवर तो नहीं चढ़ा? नहीं, अभी बीच में जब हम लोग हॉस्पिटल लेके गए ना, उससे पहले चढ़ा था तो हमने इसकी दवाई दे दी थी। एंटीबायोटिक कंप्लीट हो गई इसकी? नहीं अभी नहीं हुई, आज तीसरा दिन था ना, लास्ट डे था, फिर भी इसे बुखार चढ़ा था। तो शांति दीदी करे, एक बार लेके चले जाओ तो हम लोग लेके चले गए। इसका ना कल टेस्ट करा लो, बाकी परसों तो मैं आई जाऊंगी। सुबह टेस्ट है, इसके टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने ना। ठीक ठीक है ठीक है। नारियल पानी और ठीक है। ठंडी चीजें मत देना बच्चों को, ठंडी चीज से दूर रखना। उन्होंने कहा ये जो कुछ भी उठा के खा रहे हैं ना, सबको दूर रखो, चीजें साफ सुथरी रखो। और इनके कमरे में भी इनको स्टिक कर दे, नैना को और शांति को। कमरे में खाना नहीं खिलाएंगे इनको, कमरे में खाना खिलाते हैं वहाँ गिरता चादरों पे, फिर बच्चा वहाँ बीमार होता है। ठीक है। यार मम्मी दिल्ली में तो बाढ़ आ गई, देख लो गाड़ियाँ डूबी पड़ी है। घना ये देखो गाड़ी डूबी पड़ी है। कौन सी जगह? ये ग्रीन पार्क, आपको नहीं पता लगा? नहीं। फोन आ गया इनका? ठीक ठीक। तो भाई बहुत सारे चैनल्स पे ना झूठी खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है नेजी विनर, कोई कह रहा है सना मकबूल विनर, कोई कह रहा है कृतिका इवेक्टेड, कोई कह रहा है रणवीर, कोई कह रहा है साई केतन। तो भाई सारी झूठी खबरें हैं। खबर आपको मिलेगी कल पक्की कि कौन जीता है, कौन हारा है, कौन घर से बाहर है। क्योंकि देखो हम तो बिग बॉस हाउस में रह के हैं, तो हमसे सच्ची खबर तो आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो ये खबर अभी बिल्कुल झूठी है कि कोई जीत गया, अभी तक कुछ ऐसी खबर नहीं आई है। जैसे ही खबर आएगी जी सुनामा पे आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी शायद कल जो है लाइव आए, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि लाइव आएगा कि नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कल का एपिसोड 9 बजे लाइव आएगा, क्या कहते हो आप? हो सकता है, हो सकता है। तो गाइज आज रात के डिनर में है बीन्स मटर गाजर और आलू, साथ में है दाल, साथ में है राइस, साथ में है रोटी। तो थोड़ा सा मैं डाल के खा लेती जब तक मान जी आ रहे, थोड़ा सा खाती हूँ, थोड़ा पेट में जगह बना देती हूँ उनके साथ। भाभी खाना खाओगे तो जगह तो भर जाएगी। थोड़ी सी लूंगी ना, ज्यादा नहीं लूंगी, लाइक दिस। अभी के लिए भूख शांत कर लेते हैं। तो गाइज आज ना इतनी देर हो गई है, 1:30 बजने वाले हैं और मान जी अभी तक नहीं आया, और मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है। वो आएंगे, और आज मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी तो व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई। क्योंकि देखो आपको अब जो व्लॉग अच्छे लगते हैं देखने, तो आप लोग जो है व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 6 पे भी चल रहा है, थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे जो नेगेटिविटी हमारे लिए बनी है ना, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, इतना मुझे यकीन है। तो भाई नंदू भैया और दीपक भैया, धीरज भैया, निशु, सूरज और योगेश, एनी, मैं, चीकू पापा, इतने सारे लोग हो गए और यहाँ पे हम रह रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मतलब घर तो घर होता है पर ये भी बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम किसी और जगह पे आके रह रहे हैं, क्योंकि टाइम पे खाना मिल रहा है और सोने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, और आराम से ड्राइंग रूम में बैठे, सोफे भी मिल रहे, टीवी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। किसी भी जगह भी जाते हो, होटल बुक करते हो, उससे बहुत अच्छा है। आपको ऐसा ही कुछ ही वो करना चाहिए बुक। और ये पूरा हमें ना 4 BHK सिर्फ और सिर्फ 11,000, वैसे ज्यादा था, जब हमने डायरेक्ट बात करी तो हमें 11,000 समथिंग में मिला है, तो बहुत अच्छा है। किचन वगैरह सब कुछ A to Z चीजें मिल गई। अभी मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, पर जो भैया है ना जो यहाँ पे टेक केयर करते हैं, वो किचन में सो रहे हैं तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वरना मैं चाय बना के जरूर पीती। तो भाई हमारे यहाँ पे तो हमारी वो चाय चूरी है ना, वहाँ पे 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, चाय मिल जाती है, पर यहाँ का हमें कुछ पता नहीं है। तो एक काम करें, चलते चाय पीने चले, चले देखते अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आके सो जाएंगे वापस। इतने चीकू पापा भी आ जाएंगे, एक मच्छर घूम रहा है यहाँ पे बड़ी देर से, पकड़ना पड़ेगा इसको, पकड़ के चाले में जानना पड़ेगा। रूमटे खड़े हो रहे मेरे, तो इसे बालकनी खोली। सच में यहाँ पे ठंड है भाई, और अब आजकल तो दिल्ली में, चंडीगढ़ में, और यहाँ तो जब मैं बिग बॉस हाउस में थी ना तभी से सारे दिन बारिश आती रहती थी, जब से बिग बॉस हमारा शुरू है और अब जब कल खत्म हो जाएगा तब तक जो है उस सेट पे बारिश होती रही है, होती रही है, होती रही है, होती रही है। बारिश चल जाता है दीदी, आप लोगों को बारिश होती है कैसे? और क्या, क्यों? गार्डन एरिया पूरा खुला है, जो गार्डन खुला नहीं है, जो गार्डन एरिया है ना उसके पूरा ऐसे लोहे का शेड है, शेड के चारों तरफ से बंद है, सिर्फ इतना सा एरिया ना वो थोड़ा सा खुला हुआ, वहां से आपको बाहर की रोशनी दिख, वही से अंधेरा और उजाला पता लगा, वैसे पूरा पैक्ड है। उसके अंदर बंदर भी तो आ गए थे एक बार, गाइस बंदर आ गए थे, बंदर ने पॉटी कर दी। किससे साफ किया फिर ये भी बताओ। उस टाइम गार्डन कौन साफ करता था? सना सुल्तान ने ज्यादा किया है, क्योंकि वो ही गार्डन साफ करती थी ज्यादातर, ड्यूटी ना सना सुल्तान की थी, सना सुल्तान ने साफ की होगी। रणबीर और अरमान जी ने सब की। भाभी मेरी बात सुनो, आज है ना, आप एक चीज बताओ, क्या कि बिग बॉस हाउस में ऐसा कोई आप रहे हो तब तक उस एक वीक का ऐसा इंसिडेंट जो जिसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, और आपको ये लगता है कि यार ये तो दिखना चाहिए था पर क्यों नहीं दिखा? मतलब अच्छा। हमने सुना है कि बिग बॉस हाउस हॉन्टेड भी होता है, मतलब कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज होती है। हाँ। पुराने उसकी पुराने में देखा मैंने, मेरे में कोई हॉन्टेड मुझे लगा, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ। कोई पता नहीं कौन कह रहा था, कौन कह रहा था, पोलो में कह रही थी कि पता नहीं कौन कह रहा था कि वो टॉयलेट करने जा रही थी और उसे लगा कोई है, वो भाग के गई, भाग के आई, ऐसा मैंने सुना है। बाकी मैंने ऐसा
फील नहीं किया। और मैं कभी भी रात को ना जैसे लाइटें बंद होने के बाद मैं कभी बाथरूम गई ही नहीं उसी चक्कर से। आपने ये मान लिया कि बिग बॉस हाउस हॉन्टेड है? नहीं यार, पता क्या हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। पिछले उसमें जिसमें वो थी यार हिना खान जी थी और वो थी शिल्पा शिंदे, उसमें किसी लड़के ने बोला था भूत भूत यहाँ पे कुछ है यहाँ पे, पर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मैं इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि जहाँ हमारा बेडरूम था ना, बेडरूम से निकल के किचन से निकल के फिर ड्राइंग रूम से निकल के फिर गार्डन में, गार्डन से निकल के फिर टॉयलेट के वहां जाना, इतना लंबा जाना, कितना लंबा कौन जाए, चुपचाप सो जाओ नीचे, चुपचाप सो जाओ और सुबह उठ के फिर चले जाओ। इसलिए मैं जाती नहीं थी। वो इंसिडेंट तो बताओ कुछ। एक इंसिडेंट था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें मैं अरमान जी और कृतिका जो स्विमिंग पूल में आए थे और वो एक वीडियो कटी थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें ऐसे दिखाया गया था कि मैं पूल के साइड पे सीढ़ी पे खड़ी हूँ और कृतिका जो पूल में उतर रही है और अरमान जी आए उसे पूल में उतारने के लिए और मैं उन्हें खड़े खड़े देख रही हूँ। तो वो पूरी क्लिप जो है वो नहीं आई थी लाइव पे, शायद पता नहीं लोगों ने देखा नहीं देखा। उसमें गोलू को स्विमिंग नहीं आती थी तो गोलू गलत जगह से उतर रही थी, इसलिए पापा ने सपोर्ट किया और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी और फिर हमने बहुत इंजॉय किया। कम से कम 45 मिनट हम पूल में रहे, नहाए हम पूल में, फिर हम निकल के वो किसी ने देखा ही 10 मिनट, और किसी ने ये भी नहीं देखा कि मैं वहाँ पे लड़ी भी थी। जब दीपक चौरसिया भैया और अरमान जी की लड़ाई हुई थी तो शिवानी बीच में कूद पड़ी थी, तो शिवानी से मैं लड़ी थी, हम नहीं बोल रहे हमारे पति की लड़ाई, तू कौन होती है बोलने वाली, वो भी नहीं किसे वो चीज। तो मेरी लड़ाई झगड़ा सिर्फ मेरे को किचन में दिखाया गया, नहीं अब एक लड़ाई आई थी वो दीदी देखा हम लोगों ने, फिर मैंने उसका मेकअप का वो सामान छुपा दिया था, फिर नहीं आया चोरी वाला आया था मेकअप का सामान, चोरी वाला नहीं आया, अंधी है क्या, दिखता नहीं है क्या, ऊपर पड़ा सामान दीदी का चोरी वाला नहीं आया, भी देख के बता देगा। अच्छा आपने वो रखा था उसका बैग सब मेकअप पाउच, मेकअप पाउच, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बाहर आके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे शिवानी के, देखो उसकी अपनी जुबान है वो कुछ भी बोले, पर वो कह रही है दोगला है, मैं कभी शक्ल नहीं देखना चाहती और मान की ये है वो है। तो सबसे बड़ी दोगली तो वो है जिस बंदी को उस गेम में बचाने वाले वो चार लोग थे, रणवीर शौर्य, साई केतन, कृतिका और अरमान मलिक। बाहर निकलते ही अच्छा लास्ट टाइम भी बहुत वजह से रो रो क्या इतना ही बुरा। और अरमान मैं बताऊं मेरे को आज पता लगा, मैंने वो एपिसोड देखा नहीं था, मुझे आज पता लगा कि ये शिवानी के रोने पे रोए थे। मैंने नहीं देखा, मेरे को आज पता लगा कि रोए थे। मैंने बोला, मैंने कहा इसके इंटरव्यू देखे आपने, कह रहे हाँ। मैंने कहा तुम रोए कह रहे, देख मैं उस टाइम ये मेरे गले लग के रोई थी, बहुत फूट फूट के रोई थी। अगर इतना ही बुरा होता बंदा जो तू बाहर आके उसके लिए इतने इंटरव्यू दे रही है, अगर वो इतना ही बुरा होता तो तू उससे गले लग के रुक के आती जब तेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। तब अरमान ने बोला था कि मैं चारों वोट तेरे को देंगे अगर तेरे को सना मकबूल नहीं रहेगी। वो गेम था, गेम में गेम की तरह, तो वो गेम का खत्म नहीं करा तूने बाहर आके अपने अंदर के। और सारे इंटरव्यू मैंने देखे भाई, परफेक्ट हिंदी बोल रही है, परफेक्ट हिंदी बोल रही है जो तो हमने भी देखा। मतलब उसकी जो भाषा वो बोलती थी अंदर वो नहीं बोलने वाली, सीधी सीधी हिंदी बात। जब तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी आती है और तुम किसी शो में हो, तुम इंटरव्यू दे रहे हो हिंदी में, शो में तुम सिर्फ अपनी भाषा का, क्योंकि पूरा यूपी तुम्हें वोट करे। और एक चीज भी मैंने आज कमेंट में पढ़ा था दीदी, किसी के कमेंट पे, तो वो नेल करवाने जा रही थी वो, तो बहुत सारे लोगों को उसने बोला ना कि ये सब नकली लगाते हैं ये वो, तो लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भाई जो तू दूसरे को बोल रही थी आज तू खुद लगा रही है, दूसरे के बारे में क्यों बोल रही है, जब तू तो ऑलरेडी टीवी पे आते हैं। सना मकबूल की लैशेस के लिए बोली थी कि नकली आंखें इसकी, नकली आज। बाकी बीइंग अ गर्ल उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज ये मेकअप तो एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ब्यूटी है ये, लड़कियों के लिए मेकअप ही है, मेकअप ही है बनाई लड़कियों के लिए, जब कुछ तो करेंगी नहीं लड़कियां, तो बस। अच्छा एक चीज और बताओ, जब मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा था मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि उनके ना बिग बॉस हाउस की वॉल्स पे मास्क लगे हुए हैं, उल्टे सीधे मतलब चेहरे लगे हुए हैं, और एक वो ऐसे जो ट्रॉफी में जो साइन दिखाया है वो ऐसे जिसका वो नहीं है, एक सेकंड, और एक ना जैसे ताला और चाबी ये सब बने हुए हैं। अरे ताला चाबी जैसे गेम के अंदर चीजें खुलती रहती है, वो उस हिसाब से है, और उसको ना थोड़ा हॉन्टेड हाउस जैसा बनाया हुआ था, बेसिकली वो थीम है, जोकर जैसे किसी के चेहरे पे चेहरा लगाओ, मास्क लगाओ, चेहरे उतरते जाएंगे। और जैसे ये घर होता है, जैसे हम नॉर्मल अपना घर बनाते हैं कि भाई हमें, हम पूछते हैं भाई कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पे हमारा हॉल होना चाहिए, मतलब वास्तु बोलते हैं जो, तो ये मतलब वैसे ही डिजाइन होता है। ये तो मुझे थोड़ी पता है, मैंने थोड़ी वास्तु कराया
ये थोड़ी पता है मुझे, ये तो मैं बिग बॉस वाले से पूछ के फिर तुझे इन्फॉर्मेशन दूंगी। पायली थी थोड़ी ना, क्या बोलते पंडित थोड़ी ना है जो इतना मुझे तो मतलब जब मैं जब भी बिग बॉस ये वाला देखा ना मैंने, मेरे को ऐसा लगा कि यार ये ना किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है, जैसे तांत्रिक मांत्रिक और जो चीजें होती है ना उसमें ये ताला चाबी और मुकुट। नहीं नहीं नहीं, वो उस तरीके से उसे बनाते हैं, जब तक माहौल ऐसा नहीं बनेगा टीम में कैसे मजा आएगा। वो बात तो है, जिस बिग बॉस की तुम सिर्फ आवाज सुनते हो उसको कभी किसी ने देखा नहीं, उनकी आवाज से ही माहौल बन जाता है। तो इस माहौल को क्रिएट करने के लिए उन्होंने थोड़ा रंगीन, थोड़ा ऐसा चेहरे पे से चेहरा उतरना, तो वो एक साइन है, साइन मास्क लगा दिया, जो हंस रहा है वो रो रहा है सारी। अब जैसे हम जाते उसमें रूम में जाते हैं वोट करके आते हैं, बाहर वाले को नहीं पता किसको वोट किया है, बाहर खुलता है तब पता लगता है किसने, तो ताला खोलने वाली बात हुई ना कि तुमने यहाँ दे दिया पर यहाँ खुल गया। अच्छा मतलब बिग बॉस हाउस में जो भी चलता है वो उसकी थीम में ही सब कुछ मतलब रिवील होता है कि यहाँ पे ये चीज होने वाली है, वो वहाँ पे सब इंडिकेट होता है, समझने वाले को सोचना चाहिए थोड़ा। हाँ मैंने ये चीज देखी, अच्छी थी मेरी, जितना भी मैं रह क्या ये हफ्ता अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम मैंने किया, और हमारी जो गोलो टॉप 5 खेल रही है ये बहुत अच्छी बात है। अरमान जी को तो बाहर आना ही पड़ता क्योंकि उन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे थे, लोगों ने भर भर के वोट किए, उन्हें भर भर के वोट किए, जो लोग चाहते थे उन्होंने वो कर दिया। तो ये कहते हैं ना कि भाई पब्लिक सबसे ऊपर है। दीदी जो भी किया लोगों ने देख के तो किया ना, तो चलो वोट वोट करने के लिए भी तो वोट कर रहे हो चाहिए ना, मतलब वो लोगों में है। आपकी हेट पे भी प्यार ही मिला अरमान को, कोई बात नहीं, आपने हेट किया कहीं तो सबसे ज्यादा वोट आए। हाँ वोट तो दिया आपने, चाहे हेट भी दिया कहीं तो सबसे ज्यादा मिले। अगर अगर बोलेंगे कि अरमान जी को सबसे ज्यादा वोट मिले तो बोल सकते हैं उनको बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा वोट। हंसने वाली बात नहीं है पर ये आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने प्यार दिया, प्यार दिया। वोट करके आए ना, देख ऐसे ऐसे जब मैं बोलती थी गाइस अरमान जी को वोट कर दो ये मुझे तो गाली, मुझे गाली आती थी धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जब जैसे लिखा ना किसको आप घर से बाहर करना चाहते तो बिना बोले धड़ाधड़ वोट, धड़ाधड़ वोट बिना बोले वोट। देखो हम खुश है, अरमान जी भी खुश है क्योंकि हमें ट्रॉफी तक तो जाना ही था। अगर ट्रॉफी ले आते इनकेस अरमान जी को मिल भी जाती, गेम के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनका गेम बहुत अच्छा था, अगर वो ले भी आते तब भी आप लोगों को झिलती नहीं क्योंकि फिर ये होता कि किसको दे लिया है ये लायन, अनफेयर था। अब शायद जो 5 कंटेस्टेंट उन्होंने कोई जीते तो शायद आपको अच्छा लगे। बस यही थी मेरी जनरी अपना माइक लीजिए। मतलब अगर जैसे मैं पूछूं आपसे तो मतलब हॉन्टेड वॉन्टेड तो ऐसा सीन है, ये सब ये रूमर्स ही है मेरे सामने, तो हॉन्टेड जैसा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा है नहीं कुछ भी, ना स्क्रिप्टेड है ना हॉन्टेड जैसा कुछ हुआ। और कंटेस्टेंट है वो थे जो कुछ करता है ना अंदर, जो 16-15 लोग जाते हैं ना अंदर वही क्रिएट करते हैं। अच्छा अंदर वही क्रिएट करते हैं तो सारी बस सिर्फ टास्क देता है उनके चेहरों पे से ऐसे मुखौटे उतरते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। पहले दिन जाएंगे सब ऐसे हेलो हेलो, बहुत टाइम से देखती हूँ मैं आपकी, बहुत बड़ी फैन हूँ। भैया आप आ गए, भैया हमें तो पता ही नहीं था हम किससे बात करते, भैया आप आ गए, हेलो भाभी कैसे हो, कैसे हाय आला आला पीठ में मारा भाला। ये तो राइम कर दिया, सही है। तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्योंकि 7 बजे से उठे हुए हैं, अरमान जी का भी पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। मैंने थोड़ा खाना खा लिया, अब जब भी आएंगे उठाएंगे फिर उनको खाना वाना दे के फिर हम सो जाएंगे और इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय गुरु जी की, हर हर महादेव। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं।